मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही रहेंगे और क्या वाकई कोई बदलाव होने वाला है जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको जल्दी से बिहार विधानसभा की सीटों का समीकरण समझा दें। आरजेडी के पास 89, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 है विधायक। और इसी के साथ साथ किस तरीके से ये सीटों का समीकरण बदल सकता है, क्योंकि नाराजगी यहां पर जेडीयू और बीजेपी की खुलकर सामने आ रही है। जेडीयू की तरफ से ये बहिष्कार भी कर दिया गया, कैबिनेट में शामिल भी नहीं होने वाली है जेडीयू, उसने भी साफ तौर पर कह दिया। तो संकेत दिखने शुरू हो गए हैं, विधायकों को बुलाया जा रहा है और ये काम न सिर्फ जेडीयू की तरफ से हो रहा है, ये काम आरजेडी की तरफ से भी, ये काम कांग्रेस की तरफ से ही। इसलिए कयास लगाया, जब देखिए बहुमत के लिए चाहिए 122, जेडीयू के पास कितने 45, आरजेडी के पास है 79 और कुल सीट हो गई 124। तो अगर ये दो लोग आ जाते हैं साथ में तो भी समीकरण बन सकता है, बहुमत का आंकड़ा जो है वो जुटा सकते हैं। अब चिराग पासवान से भी हमने इस मुद्दे पर बात की, वो क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति को समझते और जानते हुए, सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं चिराग। कल जेडीयू की तरफ से चिराग मॉडल का जिक्र किया गया और कहा गया कि चिराग मॉडल का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है नीतीश कुमार उनकी पार्टी को समाप्त करने के लिए। भाई चिराग मॉडल है क्या, पहले तो बताए ना, पहले मुख्यमंत्री जी की पार्टी ये बताए कि चिराग मॉडल है क्या और किसने तैयार किया था चिराग मॉडल को। भाई किसके ऊपर आप खुल के बोलिए ना, किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। भाई चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी अगर आप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो बिहार की जनता आज की तारीख में इतनी मूर्ख नहीं है। क्या चिराग मॉडल उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे? हाँ, पर वो उनको कोई डेंट नहीं पहुंचा पाए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जनता का समर्थन उनको इस तरीके से नहीं मिला, तो आज वो उनके साथ बैठे हैं। ठीक है, ललन जी ने, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ नहीं कहा था। भैया पेट में दांत होते हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि भैया ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ना, और आज वही लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को किसी मॉडल से बचना है या डरने की जरूरत है तो विनाश के उन मॉडलों से बचे जो उनके लिए उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड अब यूनाइटेड नहीं रही है और ऐसे में खबर आ रही है कि महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार एक दो दिनों के अंदर। बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड अब तो डिवाइडेड तो हो ही गई है। आरसीपी जी जो रीढ़ की हड्डी थे जनता दल यूनाइटेड की, वो अलग तो हुए ही हैं, और महागठबंधन के साथ भैया पहले भी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी पुनः पलटी मारे इसमें कोई आश्चर्य किसी को होना नहीं चाहिए, और उसकी रूपरेखा, उसकी स्क्रिप्टिंग तो लंबे समय से शुरू हो ही चुकी है ना। क्यों नहीं गए नीति आयोग की बैठक में? यहाँ पर विशेष राज के दर्जे की मांग करेंगे, झुंझुना लोगों को दिखाएंगे, प्रधानमंत्री पटना आएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करेंगे। भैया जो औपचारिक प्लेटफॉर्म है, जो फोरम है, इन बातों को रखने का, जाइए ना वहां पे, मांग कीजिए। वहां पर जाते विरोध कर आते कि भैया आप विशेष राज का दर्जा नहीं दे रहे, पर जो औपचारिक फोरम है उस पे आप जाएंगे नहीं। भैया प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप बिहार की जनता को धोखा देने लग गए हैं, कब समझेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? कंस और देवकी का भी आप जिक्र कर रहे थे, क्या? बिल्कुल, मैंने जिक्र किया जिस तरीके से महामा कंस ने, जिस तरीके से एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया। क्यों वध किया? खुद को बचाने के लिए ना। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इतिहास देख लीजिए, जॉर्ज साहब से लेकर, शरद यादव जी से लेकर, प्रशांत किशोर जी से लेकर, उपेंद्र कुशवाहा जी तक, अब आरसीपी सिंह जी तक, किसका नहीं ये वध कर रहे हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन तक का ये वध करते हैं। एनडीए छोड़कर महागठबंधन में क्यों गए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में क्यों आए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वापस महागठबंधन में क्यों जाएंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्या आपको लगता है अभी भी आरजेडी जो है जंगल राज का प्रतीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या जंगल राज की मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है ये। अरे जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भैया मेरी उम्र के युवा को नहीं फर्क पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा था। इन 15 सालों में आपने बिहार को क्या दिया मुख्यमंत्री जी, ये बताएं। 15 साल पहले का रोना नहीं रोए, ये बताएं कि इन 15 सालों में आपने विकास की रेखा की बात करते हैं। भैया बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, कौन सी विकास की रेखा? अपराध जहां पर विकास की चरम सीमा पर हो वो आपकी विकास की रेखा है, या भ्रष्टाचार जहां पर चरम सीमा पर हो वो विकास की रेखा? कुर्सी बचाने के लिए? भैया ये तो सबको पता है, किसी आम बिहारी से भी पूछेंगे तो भी रोहित वो इसी बात का जवाब देंगे, सत्ता कुर्सी बचाने के लिए।